दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर आज सरकारी अस्पताल कैथल में पहुंच रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, बीजेपी प्रेसिडेंट जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर, लीला राम सिविल सर्जन, सिटी मजिस्ट्रेट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसा कार्यक्रम। तो आज सुशासन दिवस के अवसर पर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर पहुंचे थे सिविल हॉस्पिटल। सर, कैसा लगा आपको यहाँ मरीजों और नवजात शिशुओं को पल बांटकर? आज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और पूरा देश उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने देश की एक मजबूत नींव रखने का काम किया और जिन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई, गरीबी को अंत्योदय की जो भावना से उन्होंने कार्य किया, हर गांव को शहर से जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, एक अलग देश के अंदर जो उनका छवि थी और उनकी एक अलग देश को उन्होंने मजबूती प्रदान करने का काम किया और आज उनकी जयंती है। सर, हमने देखा आपकी तरफ से जेस्चर दिखाया गया कि आपने लड़के के जन्म पर भी दिए और बेटी के जन्म पर भी यहाँ पर शगुन दिया, कैसा लगा सर और कैसे मन में आया? नहीं, देखिए, बेटियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी सोच है कि बेटियों को आगे बढ़ाना है जी, और बेटियों को एक शगुन के तौर के ऊपर जो छोटी बेटी है, अच्छा लगा है मेरे मन को जी, उनको जब ऑनर किया है और दिया है बेटी। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं सर, कैसा फील हो रहा है सांसद से अब बीजेपी अध्यक्ष, कैसा लग रहा है सर? मैं देखिए, पार्टी की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी के नाते काम कर रहा हूँ। सुशासन दिवस के अवसर पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का 99वें जन्मदिन है, उस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, विधायक लीला रायम आए हुए थे और मंत्री कमलेश डांडा आई हुई थी, फल वितरित किए गए और शगुन भी दिया गया बच्चियों को। मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आज सभी लोग आए हैं यहाँ पर और फल वितरित किए गए हैं और सभी को आशीर्वाद, सभी बच्चों को आशीर्वाद भी दिया गया। कैसा कोऑर्डिनेशन था स्टाफ का और जो बीजेपी के लोग आए हुए थे? बहुत, सरकार के लोग, बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है और ये है कि लोगों को भी इससे और ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने के लिए मिलता है कि हमें वहां जाके अपना इलाज करवाना है। लगभग कितने मरीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये फ्रूट्स एंड ऑल दैट? यहाँ पे लगभग 20 मरीजों को किया गया, बाकियों के लिए भी था लेकिन उनके पास जैसे है सभी मरीजों को दिया गया है जी। तो आपने देखा कि डॉक्टर रेणु चावला जो सिविल सर्जन है वो तो मौजूद थी, साथ में डॉक्टर राजीव मित्तल सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर रमेश दत्त चावला और अन्य सपोर्टिंग स्टाफ ने भी यहाँ पर पूरी तरीके से 25 दिसंबर 2023 को जो 99वीं बर्थडे है, 99th बर्थडे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी सेलिब्रेटेड टुडे एंड इट इज आल्सो बीन सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे। ऑन दिस ओकेजन बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा मिस्टर नायब सिंह सैनी, मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती कमलेश ढांडा एंड बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक गुजर विजिटेड दी हॉस्पिटल कैंपस, सिविल हॉस्पिटल कैंपस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड्स एंड अदर गिफ्ट्स एंड दिस इज ऑल ऑल्सो ए क्रिसमस डे, सो ड्यूअल सेलिब्रेशन डे फॉर ऑल ऑफ द हेल्थ स्टाफ एंड द बीजेपी वर्कर्स। आई एम डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।